अहमदाबाद का काशगंज का वाक्य आपके सामने। एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेन दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा। पुलिस लेकर जाती है और बाप कह रहा है कि मैंने जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया। कुछ कर लो आप एहतियात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन सालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुक था उसका तागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकशी ले ली। वहां काशगंज की पुलिस, तुमको तो बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो तागा निकालकर अपने गले से बांधकर टूटी को लगाता है तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे। उसके पैर जमीन को लग रहे, कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं काशगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा पुलिस स्टेशन में, खत्म किया। वो कातिल है तुम लोग, तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुमने, तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम तो मर्डर करना जानते हो। बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठ कर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं काशगंज में हुआ मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।